मोदी जी के भक्त भक्त तो नहीं है क्या है ना, भक्तों को गालियां बहुत पड़ती है तो अपने आप को भक्त कहना। आई नो आप लोग भी वही सोच रहे हो। लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है 3 मई तक और हम सब वापस 3 मई तक अपने ही घरों में स्टक हो गए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग हरकतें भी तो कर रहे हैं ना। बट अभी है ठीक है, 20 अप्रैल को शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी, होपफुली कुछ लोग बाहर जा पाएंगे और काम ज़्यादा इजीली हो पाएंगे, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, अब हो गया जो हो गया। होपफुली 3 मई से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, उसके लिए हम लोग एफर्ट लगाते हैं। तो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनसर प्रोडक्शंस। एंड आज कुछ तो करेंगे बाबा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अब 19 दिन और निकालने तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। इवन कल रात को मैंने गाड़ी भी धोई, तो अगर आज बाहर निकले हम, जो कि मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें लानी है घर की, तो अगर आज बाहर निकले तो आपको आज साफ़ सुथरा टाइम लैप्स देखने को मिल सकता है। बट वही है यार, निकलते आजकल धूप में गर्मी बहुत हो गई है। चलो कोई बात नहीं यार, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि आंखें ऐसी क्यों, तो भाई उसका कारण है ये, देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। तो भाई अब इतनी तेज़ धूप में तो आंखें खोलनी थोड़ी सी मुश्किल है ना। अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या अंदर ही व्लॉग करते रहना, सारा दिन अंदर बैठे रहते हैं लैपटॉप वैपटॉप चला के, और देखो व्लॉग करना शुरू और ऑफिस से फ़ोन। चलो ये निपटाते हैं फटाफट क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद बाकी की बात करते हैं। हाँ जी, तो कॉल ख़त्म हो गई, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फाइनली ख़त्म हो गई है। एंड बाहर फिर से धूप आ गई यार, मुझे था कि आज मौसम अच्छा है, बट चलो ठीक है, फटाफट से ऐसा करते हैं अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगा, 2-3 काम है बाहर के, आपको लेके चलेंगे साथ, चिंता मत करो। तो वो काम करेंगे एंड वो काम करने के बाद आके घर पे एक बढ़िया सा टाइम लैप्स निकालेंगे। क्या आज आई एम थिंकिंग, जैसा मुझे बाहर से दिख रहा है, मतलब अंदर से बाहर का दिख रहा है ठीक है ना, मतलब यार समझो बात को, तो जो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल वो ये है कि क्लाउड्स हैं बाहर, तो आई होप कि आज टाइम लैप्स अच्छा निकाल पाए हम। और बस बाकी सब बढ़िया है, फ़िलहाल क्वारंटाइन के दिन निकाल रहे हैं, आई मीन लॉकडाउन के। क्वारंटाइन एक्चुअली गलत वर्ड है, हम सब क्वारंटाइन बोल रहे हैं, लेकिन क्वारंटाइन सिर्फ वो लोग हैं जो सिम्टम्स हैं जिनमें, या जो बाहर से आए थे। फ़िलहाल हम तो बाहर जा नहीं पाए भैया, शादी के बाद लोग कहते हैं हनीमून पे जाना है, घूमना फिरना, अच्छा हुआ बाहर नहीं। कुछ दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम अच्छा बाहर नहीं गए, नहीं तो बाहर जाने का तो पता नहीं वापस पता नहीं कैसे पहुँचते। बट सही है यार, तो फटाफट चलते हैं, बस थोड़ी देर में चलेंगे, मतलब अभी फटाफट नहीं चलेंगे थोड़ी देर में चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा ना अभी तक, नहीं लगा होगा तो बाद में लग जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो लाइक अभी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड गिव अवे प्लान्ड है, अगर किसी को नहीं पता यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगा, जाओ देखो गिव अवे और उसके अकॉर्डिंग काम करो। वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, बट देन ठीक है अभी भी टाइम है, तो गिव अवे देख लो और अपनी एंट्रीज भेज दो। इवन इफ़ एक उसकी चैलेंज पूरा हो भी गया, तो उसमें 2 कंडीशंस है, तो अगर एक कंडीशन हो गई तो दूसरी होनी ज़रूरी है, तो मे बी यू गेट लकी, तो भेज दो। एंड चलो फिर चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं थोड़ी देर में और फिर आपको भी बाहर के दर्शन कराएंगे। वैसे तो सारी तरफ यार पूरा खाली है, पूरा, कहीं पे कोई बंदा नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत पुलिस के लोग दिखते हैं या मार्केट्स में 2-4 लोग दिख जाते हैं, अदरवाइज रोड्स आर कंप्लीट एम्प्टी। तो आज देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे जी। फाइनली आज बाहर निकले, मतलब यार 2-4 दिन बाद भी अगर बाहर निकलो ना, तो इट फील्स लाइक कि बहुत बड़ा कुछ काम किया है, क्योंकि नॉर्मली दिन में सारा दिन बाहर रहना और फिर एकदम से ऐसा कुछ हो गया है कि अब घर से 2-2, 4-4 दिन बाद बाहर निकल रहे हैं, या बीच में पहले तो मैं निकला ही नहीं, अब क्योंकि सामान वामान कुछ लेना होता, वो भी कोशिश ऐसी होती है कि एक बार ले लो तो उसके बाद 2-3 दिन एटलीस्ट, मतलब जितना कम से कम निकलो वही ठीक है ना। तो
ये दिक्कत है। और अगर कोई सोच रहा है मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया, भाई मास्क निकाल लिया, देखो ये गाड़ी में रह गए थे तो इसलिए ऊपर से मैं लगा के नहीं आया। अभी मैंने कहा आपसे बात करके फिर लगाता हूँ, आगे का कोई भी अगर शॉट आएगा तो उसमें आपको हम मास्क लगाए ही दिखेंगे। फिलहाल गाड़ी को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट दे रहे थे, कल धो तो लिए तो आई होप अब तो अच्छी दिख रही है, साफ़ सुथरा थोड़ा सा व्यू आ रहा है। रास्ते में चल के आपको दिखाएंगे। तो बस बाकी सब बढ़िया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, देखो मतलब कहीं ना कहीं बढ़ते रहना चाहिए ना, मैं बार बार बोलता अच्छा थोड़ी लगता हूँ, कर लो सब्सक्राइब भी कर लो। कुछ ना कुछ फन आ रहा है, देखो कितने वो हो गए, मतलब जेन्युइनली जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरा ऑफिस का काम कितना ज़्यादा है, बट स्टिल मैं ना वो पेस नहीं ख़त्म करना चाह रहा कि आप लोगों से बात करने का जो एक वो बन गया है ना कि एटलीस्ट वीक में मैं दो वीडियोज़ तो डाल ही रहा हूँ, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू रहे और उसको फिर कुछ टाइम बाद उसको आगे बढ़ाऊंगा कि वीक में दो से चार या तीन वीडियोज़ जैसे भी। अभी भी कर सकता हूँ एफर्ट, लेकिन यार अभी वही है ना कि रोज़ रोज़ दिखाऊँ क्या, रेगुलर व्लॉग्स बनाने में पता प्रॉब्लम ही आती है कि दिन में इतना कुछ होता नहीं दिखाने लायक। स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करो से नीचे, फिर अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए, ज़्यादा लोगों को देखने का मन हुआ तो डेफिनेटली दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। एंड अगर लाइव सेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। बीच में कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि आप एडिटिंग कैसे करते हो वो भी बताओ, तो अगर वो देखने का मन है वो भी बता दो, एडिटिंग की एक वीडियो बना देंगे, मतलब जो आप बोलोगे वो करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम टिकटॉक पर बनाते रहते हैं। अभी मैंने एक नया वो देखा है किसी से ना, थोड़ा सा कॉपीड है लेकिन उसको अपने वर्जन में करेंगे। तो चलो फिलहाल चलते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है यार, मतलब टू मच ऑफ हीट। तो इंग्लिश तो चलो फिलहाल खिसकते हैं, फटाफट से जाके फटाफट से वापस आते हैं। एंड बाकी आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी अब ठीक है, अब तो हमने लगा लिया है ना पूरा एकदम मास्क वास्क लगा के, अब तो बैठे अपन यार पूरे मोदी जी के भक्त। भक्त तो नहीं क्या है ना, भक्तों को गालियां बहुत पड़ती है तो अपने आप को भक्त कहना गलत हो जाएगा। बट भक्त नहीं, बट यार उनकी पॉलिसीज ठीक है तो हम उनके पूरा उनके साथ चलते हैं। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर है कंट्री की, उनकी बात माननी चाहिए, तो अपन उनके साथ ही हैं बिल्कुल, इसलिए हम कोई ऐसा रूल तोड़ेंगे नहीं इस टाइम पे। और बट लोग नहीं समझ रहे यार उनकी बातें, जैसे कि वो भी और दुनिया में और बहुत सी दुनिया के लोग ये बात बोल चुके हैं, मतलब हमारी कंट्री के स्पेशली, कि हमारी कंट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं है, विच इज़ करेक्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और इस वजह से घर में सामान भरते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, शॉप्स पे सामान नहीं है, तो जब कोई इंसान सामान लेने जा रहा है उसको सामान नहीं मिल रहा, विच इज इक्वली कि कंट्री में सामान नहीं, क्योंकि लोगों के घर में पहुंच चुका। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो शायद लोग ना एक पीस भी नहीं खरीदते थे, अब उसके पैकेट्स, वो भी एक नहीं कई कई पैकेट्स लेके घर में रख के बैठे हो। एवरी टाइम जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ कुछ भी सामान लेने को ना, कभी ऐसा नहीं होता पूरा सामान मिलता है। और उसकी वजह ये नहीं है यार कि कंट्री में सामान नहीं है, लेकिन लोग अगर एक की जगह 10-10 चीज़ें लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन स्लो है, बट लोग समझते नहीं है पता नहीं क्यों। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी तक मिली जो बहुत इंपॉर्टेंट और मिल ना रही हो, तो वील मैनेज। अगर थोड़ी सी लाइट वाइट आ रही है तो सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा सनसेट का टाइम है ना, तो चलो जो एक दो चीज़ें और हैं वो लेते हैं फटाफट और घर को चलते हैं। गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लो जी आ गए हम वापस, सारे काम निपटा लिए हैं, सारा कुछ हो गया, अब हम वापस घर पहुंच चुके हैं, तो सामान लेके चलते हैं ऊपर, फिर आप लोग के लिए देखते हैं टाइम लैप्स, क्योंकि वैसे मेरे को दिख तो नहीं रहा, बादल ज़्यादा अच्छे हैं नहीं तो कुछ ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं, तो बट देखते हैं। चलो ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के ये उतारते, क्योंकि यार ठीक है ज़रूरी है लगाना, लेकिन ज़्यादा देर ना लगाया नहीं जाता, देखो ये खिसकने लग जाता है और टेक्निकली इसको ज़्यादा टच करना नहीं होता,
चलो गर्मी बहुत है, मिलते हैं ऊपर चल के आपसे। गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सडनली कपड़े कैसे बदल गए। तो सिर्फ कपड़े नहीं बदले, दिन भी बदल चुका है। ये सेकंड डे, क्योंकि यार कल ऐसा हो गया था ना कि मैंने आप लोग को बोला था हम वो शूट करेंगे टाइम लैप्स सनसेट का, तो कल ना तो क्लाउड्स थे और मतलब मज़ा सा नहीं आया। मैंने थोड़ा सा शूट किया तो मैंने सोचा आज करेंगे तो ये वीडियो भी आज ही एंड कर लेंगे और भी कुछ आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी घर पे ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है ना यार। तो आज कुछ करते हैं, फिर शाम तक होते होते होपफुली कुछ अच्छा सनसेट आज टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो जाए तो वो भी आपको दिखाएंगे। ऊपर चलेंगे छत पे, थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे। जब तक टिकटॉक पे देख लो, वहाँ हम रेगुलर डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ कंटेंट बना बनाया है ना तो वो देखो आप लोग, और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि गिव अवे से रिलेटेड मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखना वीडियो ये वाली ज़रूर। तो जी फाइनली हम ऊपर आ गए, व्यू बहुत अच्छा है पीछे, अगर दिख रहा होगा तो। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात। फटाफट से यहाँ लगाते हैं रिकॉर्डिंग पे, बाकी की बातें करते बाद में ताकि ये मिस ना हो जाए ना। आज ये पता क्यों इतने नखरे दिखा रही है, क्योंकि आज इन्हें पहले दिन एक्सरसाइज की है। पहला ही था इसको, पहला ही कहते हैं। देखो 15 दिन बाद एक दिन करना, उसको पहला ही गिनना चाहता है हमेशा। कब की थी आखिरी बार? ओ एक्टिंग नहीं करनी, सीधा बता। 10 मिनट का व्लॉग बनाना था, 15-20 मिनट का थोड़ी ये कर रही है। एक सेकंड मैं बताता हूँ, रुको रुको होल्ड। हाँ अब ठीक। और बताओ भाई लोग कैसे, सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। निकल जाओ यहाँ से, इस जबरदस्ती ब्लॉग खराब कराने वाली कॉम। आई बी टिकटॉक स्टार यार मैं ना पिछली 2-3 बार यह कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये जो विक्रम बेताल का बेताल है ना, ये पीछे ही रहता है हमेशा। हम इधर कितना करूँ मैं, छोड़ो। हाँ तो मैं बता रहा था, ये लो। तो मैं बता रहा था कि हम अब नीचे चलते हैं, टाइम लैप्स आप लोगों के लिए शूट कर लिया। आई होप अच्छा लगा होगा, आज मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि थोड़े से बादल थे ना, तो जो चाहिए होता है आज वो शूट हुआ है प्रॉपर वाला। ये शरारती तत्व को इग्नोर किया जाए तो फटाफट से नीचे चलते हैं, आज हम बनाएंगे लस्सी। लस्सी खाने के नाम पे हमेशा आ जाते हैं ये लोग, जहाँ लंगर और भंडारा बट रहा होगा ना वहाँ तो जरूर आएंगे ही आएंगे। फिलहाल चलो फटाफट से चलते हैं नीचे, बनाते हैं लस्सी, क्योंकि कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, बहुत देर से ऊपर थे और थोड़ा गर्म गर्म सा है ना माहौल। तो चलते हैं लस्सी बनाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। और अच्छा हाँ, गिव अवे रह गया ना, तो गिव अवे भी बता देता हूँ भाई लोग। तो मीवी का ब्लूटूथ स्पीकर पोर्टेबल गिव अवे के लिए अभी भी है। सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ सब आईडीज आ रही हैं। और एक वीडियो ऐसी बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी, वीडियो के कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी बताओ, सो दैट कि आप उस गिव अवे के लिए अपनी एंट्री कंफर्म कर सको। ठीक है, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस बाकी सब बढ़िया, थैंक यू सो मच अगेन फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो एंड किल 1000 सब्सक्राइबर जल्दी। चलो चलते फटाफट नीचे, लस्सी बनाते फिलहाल तो। तो आज हम बनाएंगे लस्सी, पंजाबियों की फेवरेट और सबसे पसंदीदा आइटम्स में से एक लस्सी, जिसके लिए आपको चाहिए हमेशा एक बर्फ मतलब कुछ बर्फ, एक मिक्सी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी, या फिर हम बर्फ से काम चला लेंगे फिलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। तो जी मज़ा आ गया आज लस्सी बना के, लस्सी बनी थी बहुत बढ़िया सबसे रिव्यू हमें अच्छा मिला। अब हम सीख चुके हैं बनाना शेक बनाना, लस्सी डालगोना जो दोबारा कभी हम बनाएंगे नहीं, बट हम सीख तो गए हैं ना। और उसके अलावा
और एक गार्लिक ब्रेड है अभी थोड़ा सा, वो एक आधे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फिर से गिव अवे की। भाई लोग गिव अवे बहुत सही है, जेन्युइन है, करो। डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कर लो ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं आई नो, बट फिर भी अगर किसी भी वजह से पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट कर दो और बताओ कि और ऐसा क्या करें जो आपको पसंद हो, देखना चाहते हो, किसी और वीडियो में देखा है और चाहते हो मैं भी करूँ ऐसा कुछ, तो बताओ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ रैम्बो के साथ कुछ तो किया जाए तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। बस बाकी सब बढ़िया है, फिर करते हैं ये वीडियो एंड, क्योंकि ये आज वीडियो बन रही है और अभी एडिट करके आपके लिए कल के लिए शेड्यूल भी करनी है तो ठीक है, फिर चलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है आई गेस, है ना। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।